क्या लगते आरे क्या लगते हैं, या मैं फिर कौन से किसी से भी कोई किसी से डॉलर ले लिया, या मैं कोई ना कोई ले रही है, या कुछ का भी जो भी करे कुछ लगते तो नहीं, जिसने जो दे दिया वो ठीक है, लेकिन ए है मेरा ये क्या लगता है यार, या मैं इसको भी अच्छे से अटेंड करी, इसको भी करी और उसको ज़्यादा अच्छा करी, सबको इक्वल देखती हूँ, ठीक है ना। लेकिन एक ये बात है कि मेरे दरबारे आए हैं तो दुख से आए हैं, ठीक है, किसी अब मैं इनको ऐसे बिन अटेंड करे जो मेरे पास काबिल है मैं कर भी सकती हूँ, कैसे इग्नोर मारूँ, कैसे मारूँ, या जात पात थोड़ी देखी जाएगी, अमीरी गरीबी थोड़ी देखी जाएगी, जब आप ये चीज़ देखेंगे तो भगवत जी का दरबार है, जहाँ तक आप उनको दे सकते हैं ब्लेसिंग वो देनी है, जब वो कामयाब होंगे तो वो तो आपको खुद सोने के निवाले खिलाते हैं, सुखी बंदा फिर जब सुखी होता है तो सब कुछ करता है। सबसे पहली बात तो इंसान से प्यार करना सीखो, जब तक आपको इंसान से नहीं प्यार है, आपके दिल में दया नहीं है ना, दया का भाव नहीं है, तब तक भगवान आपसे दूर हो। सबसे पहले भगवान दया और आपकी श्रद्धा देखते हैं, ठीक है ना, यही चीज़ है। फिर हमें ठीक होता है तो मंत्र मंत्र में तब लगता है, समय की बात है सारी, ठीक है, एक्टिविटी नेगेटिविटी कुछ नहीं, भगवान का आशीर्वाद है और ऐसा है, दे देंगे बाद में आपको, जुड़े रहेंगे। देखो अभी तो आप जुम्मा जुम्मा चार दिन मेरे भी आए हुए हैं यहाँ पर, अभी तो मैंने 5-5 साल से जुड़ी लड़कियों को उनको नहीं मंत्र दिए हैं, इतनी जल्दी तो मैं मंत्र देती ही नहीं हूँ, देती ही नहीं हूँ, जब तक हमारी कसौटी में पूरा निकलेगा कोई भी, तब तक तो मैं तो बिल्कुल भी गुरु दीक्षा तो देती नहीं, गुरु दीक्षा तो जान से प्यारे बच्चों को दी जाती है, जो अपनी जान से ज़्यादा गुरु की हिफाजत सोचे ना, अपने बच्चों से भी पहले अपने गुरु को सोचे ना, ऐसे बच्चों को गुरु दीक्षा दी जाती है, और ऐसे देने का फ़ायदा भी तभी है, ऐसे आप मेदो लल्लू पंचू को देते रहो आप गुरु दीक्षा, वो ना माने आपको बेकदरी, आपके मंत्र की भी बेकदरी, जो मुर्शिद उस मंत्र में बैठा हुआ उसकी भी बेकदरी, गुरु की तो बेकदरी है ही नहीं, मेरे पास नहीं है ऐसा मैं नहीं दूंगी, मैं तो सालों साल परखती हूँ इंसान को, फिर मेरे को लगता है कि नहीं वो अब आवश्यकता है तो देना पड़ता है, कितनी कितने मुद्दत तक परखना पड़ता है, मैंने अगर ऐसे बनाना है ना गुरु शिष्य चेले पता नहीं कितने का मैं बना दूंगी, मैं बोलती मैं बनाती नहीं हूँ गुरु, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूँ, होने को तो जिन जो मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मेरे पास क्या है देने को, हम ऐसे नहीं इतनी बड़ी गद्दी चलाई जाती और इतने बड़े बड़े कामों में हाथ पाया जाता होगा तभी है ना, वहाँ क्या है रोल पाएंगे, हमारे पास ये है तो ऐसे नहीं दिया जाएगा, उस कसौटी तक आपको उस लेवल तक उतरना पड़ेगा और तब जा कर जो है क्या, तो काम बदल दो, कोई काम कर दो, और मैंने तो मैंने देखो सर को मैंने आज भी पहले भी बोली थी ये बात, इस काम की भी कोई ध्यान हमारी नहीं लेती हूँ, मैंने तो तुमको पहले कहा फ्यूचर के लिए नहीं बेटा, इस काम के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ये तो होता भी ऐसा ही है, 8-10 दिन बंद होएगा और एकदम से लेकिन बात ना ये ठीक नहीं होती है, चलो ये चप्पे चप्पे में घूम रहे अपनी मर्जी से, चलो 50 भी दे दिए, कहती तेरे पास है 500 का नोट खिलवा लिया, 500 का नोट ले आई, धीरे धीरे चल तू ऐसा कर, जो भी आ रहा है अभी गद्दी पर से जो भी आया तू ये करवा कराया आज, ठीक है, फिर मैं देखती हूँ मैं होती हूँ जैसे भी फ्री तो फिर कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने तो 2-3 बार देखा था तो मेरे को तो ऐसा लगा था कि मैंने तो कर दिया काम, हो गया।